नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, हर जगह पानी की पूरी व्यवस्था ना होने की वजह से काफ़ी लोग स्नान नहीं कर पाते हैं। अभी ठंडी है तो ठंडी में भी काफ़ी लोग जो आलसी हैं, जो शरीर से कमज़ोर हैं, नहाने में कतराते हैं और उसके बाद उन्हें होती है दाद, खाज, खुजली। शरीर की पूरी स्वच्छता ना रखने की वजह से ऐसी तकलीफें, ज़्यादातर इसी वजह से तकलीफें डेवलप होती हैं। तो दोस्तों, आप यदि इस परेशानी से परेशान हो रहे हैं तो आज जो मैं आपको टोटका बता रही हूँ बहुत ही साधारण है, बहुत ही साधारण, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, जिसको जो भी परेशान है दाद, खाद, खुजली से। लेकिन दोस्तों, मैं फिर से आपको बताऊं कि आप कोई भी उपाय करते हैं उसके पहले डॉक्टर को अवश्य ही दिखाएं। जो दाद, मतलब जो चेहरे पर एक वाइट दाग पड़ते हैं, एक गोलाकार रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, उनके लिए दोस्तों एक बहुत ही साधारण सा उपाय है कि जब आप सुबह सो करके उठते हैं तो अपना बासी थूक उसके ऊपर लगाएं। ये बहुत साधारण सा टोटका है, इससे तुरंत ही राहत मिल जाती है, तुरंत ही राहत मिलेगी। आंखों के ऊपर पलकों में दोस्तों देखना कितनी बार दाने निकल जाते हैं, ऐसे दाने जो इतने बड़े हो जाते हैं पलकों को सुझा देते हैं। गुजरात में तो उसको आंजोड़ी बोलते हैं कि आंजोड़ी थई छे ने। आंखें बिल्कुल बंद सी हो जाती है, दर्द होता है, परेशान होते हैं और दवाई भी जल्दी काम नहीं करती है। तो इसमें दोस्तों, जब भी जिसको भी ये है हो रहा हो, जब भी वो लैट्रिन में जाए, टॉयलेट में जाए, उस समय अपने हाथ में ऐसे एक हाथ ऐसे रखें और ये उंगली फर्स्ट इसको ऐसे ऐसे करें और 7 बार, एक बार आँख के ऊपर लगाया, फिर ऐसे ऐसे किया, फिर खाली खाली, मतलब आपको हाथ में कुछ चीज रखनी नहीं है, बस ऐसे ऐसा आप सिर्फ 7 बार कर दे दोस्तों, चला जाएगा, ये आँख की तकलीफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, गारंटी। कभी आप खा रहे हैं खाना और बाल गले में फंस जाता है, खाना तो चला जाता है, बाल यदि आपके गले में रहेगा तो देखना गले में दर्द होता है। यदि आपके गले में, आपको डाउट है कि कोर में कहीं बाल था और आपके गले में फंस गया है, तो दोस्तों आप कंघी, जिस कंघी से आप अपने बाल ठीक करते हैं, कंघी करते हैं, उस कंघी को, घर में यूज की हुई कंघी को आप ले लें और 7 बार ऐसे 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 कर दें। आप खुद देखना दोस्तों, सेकेंड्स में दर्द चला जाएगा। ये बहुत साधारण से टोटके हैं जिनको करने से बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों, खाज, खुजली, ये सब के लिए आपको ये करना है सोमवार के दिन। सोमवार के दिन आपको प्योर चंदन की अगरबत्ती लेनी है, ये आप खास ध्यान रखना दोस्तों, अगरबत्ती चंदन की होनी चाहिए, शुद्ध चंदन की। आप शंकर जी के सामने ये अगरबत्ती जला दें। जलाते समय दोस्तों आप 21 बार इस मंत्र को बोलें जो मंत्र मैं आपको बोल रही हूँ। मंत्र है ओम भम यूम ओम, ओम भम यूम ओम, 21 बार इसको बोल दें और बस अगरबत्ती शंकर जी के सामने आप लगा दे, किसी भी प्लेट में रख करके लगा दे। और जो भभूत उस अगरबत्ती से गिरती है दोस्तों, वो भभूत आपको लेकर के रख लेनी है, जहां पर भी आपको खाज खुजली है वहां पर आप इसे लगा दें, गायब हो जाएगा। ये दोस्तों बहुत ही छोटे छोटे से टोटके हैं, बहुत छोटे छोटे टोटके हैं और बहुत ही कारगर है। आपके घर में कहीं पर ढेर सारी चींटियां निकली हुई है, चींटी निकली है, आप सिर्फ इस उंगली से यूं एक गोलाकार बना दें और बोल दें यहाँ से चले जाना, नहीं तो आपको हनुमान जी की आन है, हनुमान जी की आन आप बोले, आप देखेंगे दोस्तों 2 मिनट नहीं लगेगी और चींटियाँ वहाँ से सब गायब हो जाएंगी। या आप थोड़ी सी हल्दी ले लें, हल्दी लेकर के उसका गोला कर दें, या सिर्फ आप ऐसे उंगली ही घुमा दें और जो मैं कह रही हूँ बस आप इतना कह दें, रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही साधारण से उपाय हैं, लेकिन ये उपाय दोस्तों आपके जिंदगी में कदम कदम पर आपका साथ देते हैं,
जान लेने जैसी चीज़ें होती है। जरूरी नहीं कि आप इसका हमेशा यूज़ ही करें, लेकिन यदि आपकी जानकारी में ये चीज़ें हैं और आप कहीं ऐसी जगह फंस गए जहां आप तात्कालिक हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो छोटे मोटे टोटके आपको सहायता के रूप में काम आ जाती है।